शारदा सदन के इस पवित्र प्रांगण में मां शारदे के श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में आपके ही बीच से विभिन्न पदों को प्रतिनिधित्व करते हुए विराजे हवा सिंह जी और बंटी कड़म और नीलम जी। अब देखिए, मैं दो तरह से बात करूंगा। आज आपने मुख्य अतिथि के रूप में महिला आयोग के अध्यक्ष हवा सिंह जी को आमंत्रित किया है। एक तो मैं शुभकामनाएं दूंगा कि भविष्य में कभी हम ऐसा प्रोग्राम करें और आप तीनों अतिथि किसी न किसी पद पर बैठे हो और हम आपको। लेकिन उस दिन आपका भाषण सुनने के बाद तुरंत बाद यदि मेरा नंबर आएगा तो मैं महिला आयोग के अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत से कानून बनाए हैं और 33% आरक्षण भी आपने हमें दिलाया है। लेकिन मैं विशेष ध्यान चाहूंगा हमारे महिला आयोग के अध्यक्ष का कि समाज में अगर आप वास्तविकता में जाकर देखें तो 33% का आरक्षण मात्र कागजों में हमें मिला है। हमारी महिला शक्ति जो कि सरपंच के रूप में या अन्य किसी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आती है, लेकिन वहां भी सदन में वो जाकर नहीं बैठ पाती, उनका प्रतिनिधि उनका पति या अन्य कोई पुरुष करता है। इस परिपाटी पर रोक लगाने के लिए आपको एक प्रभावी कदम उठाएं। अगर आप आयोग के अध्यक्ष बने हैं तो मैं आपसे यह मांग करूंगा, क्योंकि हमने एक महिला सरपंच को निर्वाचित किया और वो महिला सरपंच केवल सिग्नेचर करती है, कई बार तो उसका पति ही कर देता है, उसको पता ही नहीं होता कि गांव में क्या हो रहा है। ये वास्तविक बात है, आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे। हमारा प्रधान बन गया, हमारा विधायक बन गया, हमारा जनप्रतिनिधि बन गया, हमने उसको वोट देकर चुना है, तो हमारी समस्याओं को वो जानता ही नहीं है। तो इसलिए ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो तो मैं उससे दोहराए नहीं रखता, होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वास्तविकता में उनको, महिलाओं को सदन में जाकर बैठने का और निर्णय में भागीदारी करने का वास्तविक हक मिलना चाहिए। पुरुषों को इससे दूर होना चाहिए ताकि वो भी अपनी प्रतिभा को दिखा सके। ये बात तब की है जब आप वास्तव में किसी दिन किसी पद पर बैठ कर आएंगे। मैं मेरी जैसे आपने नाटक किया है वैसे मैं भी सपोज करके बोल रहा हूं। आज के कार्यक्रम के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी शुभम जी ने कहा कि साहब मंच संचालन के लिए आशा गुजर और पुष्कर पुरोहित ने बहुत अच्छा संचालन किया, बिल्कुल सही है। लेकिन साथ साथ इस संचालन के साथ साथ देखिए, जो जैसे मान लीजिए एक बस है या एक नाव है और नाव का संचालन करने वाले दो पतवार लेकर बैठे हैं और उसको सही ढंग से चला रहे हैं, लेकिन उसमें पूरा योगदान यात्रियों का भी होता है कि वो भी सही ढंग से बैठे। अगर यात्री सारा झोल एक तरफ कर देंगे तो नाव तो पलटेगी पलटेगी। तो आप सब लोगों ने संचालक के काम को सरल और सुगम बनाते हुए पूरे अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए मेरे सामने बैठे आप सभी धन्यवाद के पात्र। बात महिला दिवस की हो रही है, 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे है और 2015 में इसी परिसर के अंदर एक बहुत ही बृहद और बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था जिससे मैं करीबन 10,000 के करीब हमारे आसपास के लोग आए थे। चूंकि हम ये चाह रहे थे कि कार्यक्रम और भी हो, लेकिन आप ये जानते हैं कि केवल शिक्षक ही उस काम को करें तो वो काम पूरा नहीं हो सकता। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये स्किल आपके अंदर भी डेवलप हो। 2015 के अंदर भी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें केवल और केवल बीएड के विद्यार्थी थे जिन्होंने उस कार्यक्रम को पूरी रूपरेखा दी थी और पूरा कार्यक्रम उनके द्वारा संचालित किया गया था और
मेरे ख्याल से शारदा सदन के इतिहास में सबसे बढ़िया कार्यक्रम था अभी तक। और यदि आप मन बना ले तो शायद उससे भी बढ़िया आप लोगों के द्वारा हो जाए। महिलाओं के बारे में एक बात कही, जितने भी वक्ताओं ने अपने भाषण दिए बहुत अच्छे भाषण दिए, किसी ने तो कहा था कि महिलाओं को दुर्गा बन जाना चाहिए, किसी ने कहा महिलाओं को तितली नहीं अब मधुमक्खी बन जाना चाहिए, क्यों, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे सब बच्चों को राम बन जाना चाहिए, ये सवाल क्यों नहीं आया। हम केवल और केवल समाज में ये इच्छा रखते हैं, ये चाहना रखते हैं कि हमारे समाज की जो नारियां हैं वो अपने आप में परिवर्तन कर लें, वही अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दुर्गा बन जाए। क्या किसी में इतना दम नहीं है कि वो ये कह सके कि नहीं हम भी राम बन सकते हैं, हम भी कृष्ण बन सकते हैं, और समाज के अंदर बैठे इन दुशासनों को इनका अंत करने के लिए हम भी अपना वजूद रखते हैं। जिस दिन ये बात हम सब के मन में होगी उसी दिन समाज के अंदर आज की जो परिस्थितियां हैं आप सभी उससे वाकिफ हैं। लोग ये कहते हैं, बच्चियां कहती हैं साहब हमको घरवाले निकलने नहीं देते, हमको पढ़ने नहीं देते उसके पीछे, और यहां तक कि कुछ कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं अभी आपकी कहानियों से आपकी कविताओं से जो भावनाएं व्यक्त हुई कि भ्रूण हत्या भी कर देते हैं। क्या कोई मां अपने बेटे को बेटी को मार सकती है? नहीं मार सकती। लेकिन उसने इतना बड़ा फैसला क्यों किया कि उसने अपनी पुत्री को अपने गर्भ में ही मारने का निश्चय कर लिया? क्या आपने कभी उसके अंदर की वेदना को जाना है कि वो ऐसा क्यों करती है? जहां तक मैं समझता हूं वो जानती है कि अगर मैंने मेरी बच्ची को जन्म दिया तो समाज के इन लुटेरों के सामने, समाज के इन दुशासनों के सामने मैं अपनी बच्ची की रक्षा कैसे कर पाऊंगी, और वो अपने आप को निस्सहाय मानते हुए उसके पास एक ही उपाय है कि मैं ऐसा करूं कि मैं इसको जन्म ही ना दूं। उसका परिणाम आज हमारा समाज भुगत रहा है। अभी अभी मंच पे से एक बात आई थी कि सीटेट की रीट की परीक्षा तो न जाने कब होगी, चलो समय है बिहार चलते हैं तोरण मारने के लिए। और जब बिहार में स्टॉक खत्म हो जाएगा तू कहां जाएगा? विचार करना पड़ेगा कि आज हमने उपाय ढूंढ लिया कि जब बिहार चले जाए, आप देख रहे हैं समाज के अंदर कि हमें जो है अपने बच्चों के लिए बहुएं नहीं मिल रही हैं, और उसका कारण यह है कि 20 साल पहले हमने जो भ्रूण हत्याएं की थी उसका आज ये परिणाम हमारे सामने आ रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज को सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो नारी को सम्मान देने का काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, नारी को सम्मान देने का काम किसी एक वर्ग का नहीं है, हम सबको सोचना होगा। पहले नारी का पूरा सम्मान था, आप देखिए किसी भी देवता का नाम बोलते हैं वो लक्ष्मी नारायण जी, सीताराम जी, राधा कृष्ण जी, हर जगह हमने देवी का नाम पहले रखा है, बाद में पुरुषों का नाम रखा है। लेकिन आज समाज में जो स्थितियां बनी हैं उन स्थितियों से हमें बिल्कुल जागरूक रहते हुए इसका प्रतिकार करना होगा। आज ये स्थिति है कि एक छात्रा यदि एक बेटी या एक बहन जा रही है और दो या चार या पांच बच्चे अगर उसको परेशान कर रहे हैं, बगल में से 10 लड़के निकल जाएंगे, 10 लड़कियां निकल जाएंगी, लेकिन मजा लेकर उनका विरोध करें, यहीं आकर समाज की पतन का कारण बन रहा है। किसी बुराई को देखकर उसका प्रतिकार हम नहीं करें, हम ये सोच लें कि हमें क्या मतलब है, तो ऐसा अगर आप सोचते रहेंगे तो किसी दिन आपकी बहन का भी नंबर होगा, किसी दिन आपकी बेटी का भी नंबर होगा,
हमें इसलिए हमें हमारा दायित्व बनता है कि चाहे कोई भी हो उसका हमें विरोध करना चाहिए। अभी सास बहू का एक नाटक आपके सामने आया था दहेज प्रथा के बारे में। अब तो हालत इससे भी ज्यादा गई गुजरी हो गई। लड़के वाले हाथ जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, सही 1 रुपये कौन सा है मान तो छोड़ दे दो। बड़े बड़े सेठों को और बड़े बड़े परिवारों के लोगों को मैं जानता हूं, और आप कहते हैं नौकरी की बात। ऐसे भी लोगों को हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जिनके बच्चे आज नौकरी करते हैं लेकिन उनको बहू नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है ये सोचना होगा। क्यों? कि देखिए अभी राम और रावण की बात चल रही थी। अगर आप सोचें तो राम और रावण का अगर हम कंपैरिजन करें तो विद्वता में रावण का नाम सबसे ऊपर, महाज्ञानी था, महापंडित था, राम उसके आसपास भी नहीं थे। तो फिर आज हम राम की जय जयकार करते हैं, रावण को तो कोई पूछता ही नहीं है। धन में देखिए, जिसके पास सोने की लंका थी और जिसके यहां कुबेर पानी भरते थे उसके पास अपार धन था बनिष्पत राम के, लेकिन फिर भी हम राम की उपासना करते। पावर, पॉलिटिकल पावर की बात करें तो पूरे साम्राज्य के अंदर कोई ऐसा नहीं था जो रावण से टक्कर ले सके। रावण के पास अतुलित शक्ति के योद्धा थे और स्वयं भी वो बहुत बलशाली था, फिर भी राम के उपासक मिलते हैं, रावण के नहीं मिलते। भक्ति की बात करें तो राम से भी बड़ा भक्त था। शिव की उपासना करने के लिए रामेश्वरम में जब राम को, राम जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे, लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तो उसको पूजा कर, तो जिसने अपने 10 शीश काट करके भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, क्या उससे बड़ा भक्त कोई हो सकता है? राम भी उससे बड़ा नहीं था। तो फिर क्या कारण है, फिर क्या कारण है कि हम राम की उपासना करते हैं रावण की नहीं करते हैं? सिर्फ एक ही कारण कि राम का चरित्र उत्तम था, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए राम की जय जयकार होती है और रावण की नहीं होती है। इसलिए धन, पावर, पॉलिटिकल पावर और सब चीजें लास्ट में आती है। सबसे पहले यदि हमारे पास चरित्र है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर हमने अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया तो चाहे आपके पास धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे आपके पास सोने की लंका हो, आपकी कहीं पूछ होने वाली नहीं। अभी नाटक देखा था, बोर हो जाओ तो हाथी ला देना, मैं रुक जाऊंगा। अभी नाटक देख रहा था, सास बहू की बातें चल रही थी कि दहेज लाने के लिए कौन प्रेशर डाल रहा था? सास। किस पर? बहू। तो यहां भी बात आती है, हमारे शारदा सदन के संस्थापक जो है श्री कैलाश जी भिदोई, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है दशानन। आज तक भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर रावण के पक्ष को किसी भी शायर ने, किसी भी कवि ने नहीं रखा है। ऐसा नहीं है रावण में कमियां ही कमियां थी, अच्छाइयां भी थी, तो उन अच्छाइयों का तर्कपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। आप इसको पढ़ेंगे, आपकी लाइब्रेरी में भी, आप चाहें तो मैं आपको एक एक बच्चे को दिला भी दूंगा। तो मैं कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुना रहा हूं नारी के संबंध में, कि इसमें तो संदेह नहीं है राम विचारक, उसकी यही भावना उसकी क्षति की पूरा। कौन बोल रहा है? रावण। इसे मान लेता हूं रावण बहुत क्रूर है, इसे मान लेता हूं रावण बहुत क्रूर है, वह मानवता की सीमा से बहुत दूर है, वह क्रोधी है, वह क्रोधी है और क्रोध में ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में धीरज को स्थान नहीं है, पंचवटी में नारी का अपमान हुआ था। प्रश्न कर रहा है, पंचवटी में नारी का अपमान हुआ था,
जिसके कारण इतना बड़ा विधान हुआ था। कहो लखन, क्या रघुकुल के ये योग्य कर्म था? कहो लखन, क्या रघुकुल के ये योग्य कर्म था? अबला पर हो बल प्रयोग, क्या यही धर्म था? शूर्पणखा के साथ हुआ था जो दानवपन, शूर्पणखा के साथ हुआ था जो दानवपन, युग युग उसके लिए व्यतीत होगा मानव मन। संभव है उसने कोई अपराध किया हो, संभव है उसने कोई अपराध किया हो, उन्मादिनी थी और अधिक उन्माद किया हो, पर उसका उन्माद और दृढ़ प्रवृत्ति रघुकुल, क्या दोनों में साम्य हो गया? क्यों वे व्याकुल हुआ? जानकी के आगे यह दुष्कर्म अजाना हुआ, जानकी के आगे दुष्कर्म अजाना, और मुझे दुख है उसने इसका मर्म न जाना। नारी का अपमान, नारी का अपमान देख नारी न रो सकी, नारी का अपमान देख नारी न रो सकी, और मन की आंसू बहा घृणा को नहीं धो सकी, और यही संस्कृति के विपरीत विधान हो गया, यही संस्कृति के विपरीत विधान हो गया, और इसमें ही लाखों मन का शुचि मान खो गया, मर्माहत हो गया हृदय इस पाप कर्म से, और युग का पुरुष हुआ लांछित इस कुकर्म से, और नारी का अपमान हृदय पुरुष का जागा, और मेरा मन तक्षण ही रण करने को भागा। रावण ने अपना कारण बताया कि मैंने क्यों युद्ध किया। तो आज ये समस्या भी है कि कहीं नारी का अपमान नारी के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में किंचित लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम सब लोग ऐसा कर रहे हैं। आज भी मेरा मानना यह है कि अच्छे लोगों की संख्या आज भी ज्यादा है और बुरे लोगों की संख्या आज भी कम है, और जिस दिन बुरे लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी उस दिन प्रलय होगा। तो नारियों के लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों ने जिस तरह से कार्यक्रम की आयोजना की, जिस तरह से कार्यक्रम का सफल संचालन किया, और जिस तरह के आपने अतिथियों को आमंत्रित किया, अभी बंटी चिरावत ने जो है एक कहानी प्रस्तुत की थी, बड़ी मर्माहत कहानी थी कि एक माँ चाहती है कि मेरी बेटी मर जाए क्योंकि मुझे घर नहीं जाने देंगे, लेकिन जब वो एक नवजात कन्या को ये देखती है कि वो दो दिन तक तीन दिन तक सर्दी में पड़े रहने के बाद भी नहीं मरती और जिंदगी के लिए संघर्ष करती है, तो क्या हम संघर्ष नहीं कर सकते अपने जीवन के लिए? तो कितनी नन्ही सी बालिका ने वो सीख दी, तो आप भी सीख लें। मैं ये नहीं कहता कि समाज के अंदर सभी तरह के लोग हैं, हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को दृढ़युक्त रहना पड़ेगा, अपने चरित्र को और अपने आप को साहसी बनाना होगा। देखिए कितनी अपने सारे वजूद को मिटाकर न जाने कितनी रिवायतें निभाती है, अपने वजूद को मिटाकर न जाने कितनी रिवायतें निभाती है, और सलाम हर उस खातून को जो घर को घर बनाती है, जो एक घर को घर बनाती है। जब आप भी घर जाते हैं तो घर में घुसते ही आप जोर से चिल्लाते माँ कट गई, वहां आपको माँ याद आती है क्योंकि आपको भूख लगी है, कोई भी चीज की आवश्यकता होती है। यदि आपका विवाह हो गया है तो आप जाते ही पत्नी को आवाज लगाते हैं, अगर विवाह नहीं हुआ है तो अपनी सिस्टर को आवाज लगाते हैं, मेरे थे लोग कौन ला रहे हो कठिन गयो, मेरा एक मोजो तो ला गया दूसरों को ला रहे। तो हम कहीं ना कहीं निर्भर हैं उस महिला पर जो इस पूरे ये संसार जो है वो वास्तव में देखा जाए तो रंगमंच है। यहां पर हमें कठपुतलियों के रूप में भगवान ने भेजा और सबका पार्ट फिक्स कर रखा है कि तुझे माँ का रोल करना है, तुझे पिता का रोल करना है, तुझे भाई का रोल करना है। अब ये डिपेंड हमारे पर करता है कि हम किस तरह का रोल करते हैं। देखिए मैं दो बातें कहूंगा कि हम झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे, हम झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे। ये बात उन दिनों की है जब हम बच्चे थे, ये बात उन दिनों की है जब हम बच्चे थे,
तो जिस दिन आप बच्चे थे, जिस दिन आपने जन्म लिया था, आपका दिल, आपका दिमाग हर तरह से पवित्र था। तो फिर हम ऐसे क्यों बने? इसी संस्था के शायर कैलाशी विद्रोही ने पंक्तियां लिखी है कि शक्ल पर आदमी और दिल में दरिंदा छुपाया है, शक्ल पर आदमी और दिल में दरिंदा छुपाया है, हमको कुदरत ने नहीं खुद हमने बनाया, हमको कुदरत ने नहीं खुद हमने बनाया है। भगवान ने तो हमें बहुत पवित्र और बहुत पाक साफ बनाकर भेजा था, बाद में जाकर के हमने अपनी अपनी इंसानियत को या अपने अपने जो अपना जो व्यक्तित्व है उसमें परिवर्तन ला करके न जाने क्या रूप ले लिया। तो इसलिए जिस रूप में और जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है वो आप पूरा करें। और एक बात और बताऊं, आप दो अक्षर कम पढ़ लें लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि आज हर एक विद्यालय में एक कंपटीशन हो रहा है कि मेरे स्कूल के बच्चे 90% लाए, 95% लाए, और हर पेरेंट्स का जो है ये सपना है। लेकिन मैं मेरा सपना बताता हूं क्योंकि आप मेरे छात्र हैं और आगे जाकर के आप भी किन्हीं छात्रों को पढ़ाएंगे, तो कम से कम एक बात जरूर उनको पढ़ा देना कि हमें पढ़ लिख कर शिक्षक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आरएस बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन इन सबसे पहले हमें एक इंसान बनना है। और कैसा इंसान? ऐसा इंसान, देखिए मां जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो 9 माह तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। मैं सवाल उठाना चाहता हूं आपसे कि 4 किलो का वजन हम आपके पेट पर बांध देते हैं, अगर तीसरे दिन आपके दिमाग में हरकत नहीं शुरू हो जाए कि सब ये क्या फालतू वजन हमारे शरीर पर लटका दिया, नहीं सहन कर पाएंगे आप उसको। लेकिन मां देखिए 9 महीने तक उसको लादे रखती है, और आपने विज्ञान अगर पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि 3rd-4th महीने में वो बच्चा अंदर पेट में लाते मारता है, लाते मारता है, सोती हुई मां की आंखें खुल जाती है। लेकिन फिर भी 9 माह तक उसकी लाते खाती है गर्भ में, और जो कुछ अपना खाती है अपने लिए खून पैदा नहीं करती, उस बच्चे के लिए खून बनाकर भेजती है, उसके लिए आहार बनाकर भेजती है। और अपने खून और पसीने से 9 महीने बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दूध पैदा करती है, अपने शरीर का सारा निचोड़ निकालकर अपने बच्चे के पोषण के लिए वो पैदा करती है। तो इतना त्याग और इतनी तपस्या करने के बाद जब वो बच्चा जन्म लेकर आता है तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि जिस दिन हम समझदार हो जाएं उस दिन अपनी मां की, कम से कम मां की तो जरूर, मेरे मां नहीं है इसलिए मैं जानता हूं, प्रत्येक बच्चा आज ये शपथ लेकर जाए कि मैं मेरे मां का दिल और दिमाग से सम्मान करूंगा, उसका आदर करूंगा। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो मैं समझूंगा कि मेरे सारे बच्चे आज शिक्षित होकर गए हैं। और इस कार्यक्रम को मैं सफल तभी मानूंगा जब आप अपने जन्मदाताओं को, अरे जिसने आपको जन्म दिया है उसको आप ठोकर मारते हो, अरे जिसने आपको जन्म दिया है वो एक, मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, मेरे पड़ोस में ही है एक बाबा है 85 साल के, मैं जिस स्कूल में काम करता हूं विशिष्ट अतिथि महोदय, मेरे पास में एक परिवार है, बाबा जी अकेले और उनकी पत्नी दोनों 85 साल के, आंखों से पूरा दिखता नहीं है, और जमीन और मकान बनाकर उन्होंने अपने बच्चों को दिए, बच्चों ने उनको बाहर निकाल दिया और आज वो एक झोपड़ी में रहते हैं और लकड़ियां चुन चुन कर लाते हैं और उनसे वो जला कर रोटियां बनाते हैं। मैं एक दिन गया उनसे, मैंने कहा बाबा आपके दो दो लड़के हैं, बहुए हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, आप उनसे क्यों नहीं बनवाते? तो उनकी आंखों में पानी आ गया, तुम क्या करें गुरु जी, उधर जाते हैं तो गालियां निकालते हैं, यहां तक कि मेरी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा
कि अपन दो रोटी लुकी सुकी जैसी भी बनेगी वैसी बनाकर खा लेंगे। तो इस तरह की अगर बात अगर सामने आती है तो धिक्कार है आपको, धिक्कार है आपकी शिक्षा को, धिक्कार है आपकी कमाई को। जब आप अपने माँ बाप का पेट नहीं पाल सकते, जब आप अपने माँ बाप की पूजा करना तो दूर उनकी उनका भरण पोषण नहीं कर सकते, तो फिर किस बात की शिक्षा ले रहे हैं आप, क्यों पढ़ रहे हैं आप? तो मेरा तो आज के इस कार्यक्रम में यही एक संदेश है आपके लिए कि कुछ भी हो जाए, आप पढ़े लिखे बहुत विद्वान बने बहुत ऊंची पोस्ट पर जाए हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अपने माँ बाप का पूरा सम्मान करें। अगर आपने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, आपके भी बेटे बेटी होंगे और जो वो देखेंगे वैसा ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।